गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, देखिए हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया था। डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में, यानी अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया है, देन आफ्टर उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेज आते हैं फ्लावर में। तो अभी का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, पहली बात हमें ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन में क्या था। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज किस किस चीज़ में चेंजेज आएंगे, फर्टिलाइजेशन में बना क्या था। तो फर्टिलाइजेशन में जब आप फोकस करेंगे तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन में देखा था कि ये जो सेंट्रल सेल प्लस जेनरेटिव सेल, ठीक है बेटा, सेंट्रल सेल एंड जेनरेटिव सेल से आपको क्या बन के मिला, तो हमें बन के मिला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसे PEC या PEN कह सकते हैं, अभी समझेंगे वो उसमें भी क्या डिफरेंस। ओके, और सेकेंड हमें क्या है, तो सेकेंड में क्या हुआ था, एग सेल प्लस जेनरेटिव सेल, ये बने, ये फ्यूज किए, यानी दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ। तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया हमें जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेंगे, तो एम्ब्रियो। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होंगे वो हमें इसी दोनों में देखना होगा, इन्हीं में, फर्टिलाइजेशन के बाद में इनमें क्या चेंजेज आते हैं वो सारी चीज़ें। तो हमें यही सारी बातों पे फोकस करना है कि एक तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है उसमें क्या, और जो जाइगोट बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में जब पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फ्लावर हैं वो फेड करने लगते हैं, यानी उनका कलर थोड़ा लाइट होने लगेगा, धुंधला होने लगेगा। साथ ही साथ एस्टिग्मा, स्टाइल एंड पेटल, ये जो हैं वेदर अवे हो जाएंगे, फ्लावर से फट के हट जाएंगे, टूट के गिर जाएंगे, डैट इज़ द वेदर अवे, वहाँ से हट जाएंगे, अब उनका कोई रोल नहीं है। उनका रोल तभी तक था जब तक पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक था। तो जैसे ही ये काम हुआ, यानी ये फ्लावर है और ये फ्लावर है और इस फ्लावर के साथ ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ अटैच है, जिसे हम स्टिग्मा, स्टाइल या फिर स्टामेन ये जो बोल रहे हैं, तो ये जो है वो यहाँ से टूट के हट जाएंगे, सेपरेट होंगे। अब बचा हुआ ये फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए, आफ्टर पॉलिनेशन कह सकते हैं या आफ्टर फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, फ्लावर बिगिंस टू फेड। और क्यों ऐसा हो जाता है, ड्यू टू सडन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन एंड एथाइलीन प्रोडक्शन या एथाइलीन फॉर्मेशन। रिस्पायरेशन की रेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उस समय न्यूट्रिशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ जो इथाइलीन है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा,
इथाइलीन प्रोडक्शन। तो इन दोनों के वजह से फ्लावर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, फेड कर जाएंगे। उसके बाद में देखो कि जो पेटल्स स्टामेंस अभी हम कह रहे थे, पेटल स्टामेन एंड स्टाइल, वेदर अवे टू फ्लावर। वेदर अवे का मतलब हुआ कि फट के हट जाना, फट के निकलना, यानी उस फ्लावर से फट के निकल जाएगा, दैट इज द वेदर अवे। तो सेपरेट हो जाएगा, फट के हट जाएगा, ये कोई भी चीज़ें जो बातें हैं वो। अब जब इतने सारे काम हो गए तो होगा क्या भाई, तो जो फ्लावर में अब पॉलिनेशन हुआ है तो उसके बाद में इसमें एंडोस्पर्म जाइगोट तो बन गया है फर्टिलाइजेशन से, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड फॉर्मेशन अकर्स। तो फिर अब काम क्या होगा, तो एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और सीड का फॉर्मेशन होगा, यही काम अब बचा है। तो जब इतने सारे काम हो गए हैं तो यानी कि जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ या फिर ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मेशन अकर्स या टेक्स प्लेस जो भी है, तो अब पहले हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बन रहा था भाई, तो सेंट्रल सेल प्लस जेनरेटिव सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो वहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म बार बार कह रहे हैं कि वह एक ट्रिप्लोइड है, यानी कि सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस है और एक जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस, टोटल थ्री न्यूक्लियस हो गए, और तीनों न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करते हैं तो एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, देन आफ्टर वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनते हैं। यहाँ तक की बातों में आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें बन गए क्योंकि दो न्यूक्लियस, देखिए ये दो न्यूक्लियस पहले से हैं सेंट्रल सेल के और एक न्यूक्लियस ये आया जनरेटिव सेल के, टोटल कितने न्यूक्लियस। और मैंने ये भी बताया था कि बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑफ जनरेटिव सेल ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेंट्रल सेल बन जाते हैं। क्या? तो डिप्लॉयड एक सेंट्रल सेल बनेगा, तब ये आएगा तीसरा, तो इनके साथ मिल जाएगा। तो ऑलरेडी दो न्यूक्लियस यानी डिप्लॉयड है और तीसरा न्यूक्लियस आया, तो ये कितने फॉर्म होते, कितने सेट हो गए, तो टोटल थ्री का सेट हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिप्लॉयड। अब चलिए एंडोस्पर्म, सबसे पहले एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बना कैसे है, तो यहाँ पर दे रखे हैं कि जो सेंट्रल सेल प्लस जेनरेटिव सेल है तो ये उससे क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म। टू न्यूक्लियस ऑफ, टू न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल एंड वन न्यूक्लियस ऑफ जेनरेटिव सेल फ्यूज टू फॉर्म वेजिटेटिवली वेजिटेटिवली फ्यूज टू फॉर्म वेजिटेटिवली फ्यूज टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी
एंडोस्पर्म सेल, और इसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो आगे जाके यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा। अब देखो एंडोस्पर्म का काम क्या है। एंडोस्पर्म इज द फूड लेडन टिश्यू, यानी उसके पास बहुत सारे फूड होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो एंडोस्पर्म इज फूड लेडन टिश्यू which provide nutrition to developing embryo in angiosperm। तो जिम्नोस्पर्म में जो ये एंडोस्पर्म है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन जिम्नोस्पर्म में ये फीमेल गैमेट के लिए यानी फीमेल के साइड में होता है, इसलिए इसको दिस इज द ये जिम्नोस्पर्म के लिए है और एंजियोस्पर्म के लिए है, और जिम्नोस्पर्म के लिए ये एक फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन जिम्नोस्पर्म इट रिप्रेजेंट फीमेल ऑर्गन पार्ट या फीमेल ऑर्गन पार्ट है ये, या फीमेल गैमेट की तरफ ये जो है वह रिप्रेजेंट करता। ओके तो ये जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में ये रिप्रेजेंट करता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट है। ये बातें हो गई। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो उसके पास एंडोस्पर्म है, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है यानी जो एंडोस्पर्म है वो थ्री टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और सेल। तो एंडोस्पर्म इज थ्री टाइप्स। अब आइए एंडोस्पर्म थ्री टाइप्स, तीन तरह के एंडोस्पर्म को हम लोगों को देखना है। एक है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोवियल एंडोस्पर्म। ओके तो फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कंटिन्यू होगा विदाउट द वॉल फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यूसली अकर्स विदाउट वॉल फॉर्मेशन, और जब एक बार न्यूक्लियस के बहुत सारे न्यूक्लियस के डिवीजन हो जाएंगे देन आफ्टर वहाँ पर क्लीवेज के थ्रू जो है वह वॉल का फॉर्मेशन होगा, यानी क्लीवेज होकर के तब देन आफ्टर जो है वहाँ पर साइटोकाइनेसिस होंगे। और कभी कभी जो होते हैं जो वॉल फॉर्मेशन होता है वह इनकम्प्लीट रह जाते हैं,
तो इस तरह से हमें इस सारे चीज़ों में, जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कोकोनट, तो कोकोनट का जो आप लोग यूज करते हैं तो वो दो चीज़ें होती है। कोकोनट का वाइट वाला पार्ट जो हम लोग यूज करते हैं वह सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो लिक्विड यानी कोकोनट मिल्क हम लोग जो यूज करते हैं डैट इज़ द कोकोनट जो मिल्क है वो हाईली न्यूट्रिशियस जो होता है पार्ट वह जो है वह फ्री न्यूक्लियाई है, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब यानी कि उसमें कंटिन्यूअस न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, लिखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, न्यूक्लियस डिवाइड कंटिन्यूअसली या रिपीटेडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। और एंडोस्पर्म एक वेजिटेटिव फ्यूजन है, ये रिप्रोडक्टिव फ्यूजन नहीं है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट तो है लेकिन ये वेजिटेटिव फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट तो जो फाइनली जो सेंट्रल सेल है वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो वेजिटेटिव फ्यूजन है। दो हैप्लॉयड का अगर फ्यूजन होता है तब वो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, लेकिन क्योंकि गैमेट हमेशा हैप्लॉयड आपको बता रखा है मैंने और वहाँ पर ट्रिप्लॉयड बन रहे हैं, इसलिए यह वेजिटेटिव फ्यूजन है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस डिवाइड कंटिन्यूअसली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म undergo cleavage and gives rise to a multicellular tissue और एग्जाम्पल के रूप में बेटा मेज, वीट, राइस, सनफ्लावर, कैप्सेला, बुर्सा पेस्टोरिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछते हैं, तो ये याद रखेंगे आप, ओके। और इन सम केसेस वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इन कंप्लीट यानी वॉल का फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट एग्जाम्पल कोकोनट, ओके। कोकोनट में दोनों चीज होते हैं, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है इन कोकोनट, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म एंड मल्टी न्यूक्लिएट और एंडोस्पर्म, तो ये है कोकोनट मील जो हम लोग खाते हैं और न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म, तो वो हो गया कोकोनट मिल्क, वो कोकोनट मिल्क है।
कोकोनट मिल्क जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, हाईली न्यूट्रिशियस इन विच कंटेन मिनरल्स, विटामिन, सुगर, प्रोटीन, इट इज आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड। और इसीलिए कोकोनट वाटर को या कोकोनट मिल्क जो हम लोग पीते हैं, नारियल पानी, ये हमारे बॉडी का आइसोटोनिक होने के वजह से ही इसको हम लोग स्लाइन वाटर के साथ, जब डिहाइड्रेशन होता है तो स्लाइन वाटर के साथ में भी इसको यूज कर लेते हैं चढ़ाने के लिए डायरेक्ट। तो आइसोटोनिक है मतलब हमारे बॉडी का जो फ्लूड का जो पीएच है और जो मिनरल का कंसंट्रेशन है वो सेम लगभग रहता है। इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इट कैन इंजेक्टेड इन टू बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के टाइम पे इसको डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि ये आइसोटोनिक है हमारे बॉडी का, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट में आइए। और ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इट इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, इट इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट हम लोगों का सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में जब जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तब तब उसमें वॉल का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो न्यूक्लियस डिवीजन, फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन और साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल बालसम, दतूरा, पेटोनिया, ये सब एग्जाम्पल हैं। फिर है हेलोवियल एंडोस्पर्म, ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म क्रसेस द न्यूसेलस, ग्रोथ ऑफ
एंड्रेस पर क्रसेस दी ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म ये जो होगा इट इज इंटरमीडिएट टाइप इट इज इंटरमीडिएट टाइप, यानी ये दोनों का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और साथ ही साथ जो सेलुलर एंडोस्पर्म है दोनों के जैसे नेचर को लेके चलता है, इसलिए इट इज इंटरमीडिएट टाइप। और एस्फोडेलास एग्जांपल एस्फोडेलास। नेक्स्ट है, इसी में देखेंगे अब फेट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म क्या करता है। तो एंडोस्पर्म का जब ग्रोथ बढ़ता है तो एंडोस्पर्म जो है वो सबसे पहले न्यूसेलस को क्रश कर देता है, तो न्यूसेलस वहाँ से ख़त्म हो गए। अगर किसी में न्यूसेलस रह गया तो उसे पेरिस्पर्म कह देते हैं, जो हमें ब्लैक पेपर में देखने को मिलता है। तो ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म क्रसेस द न्यूसेलस। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एंडोस्पर्म को, यानी कि जो डेवलपिंग सीड है वो एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं करते, यानी कि सीड फॉर्मेशन के बाद में भी एंडोस्पर्म रह जाते हैं। तो वैसे सीड को हम लोग बोलते हैं, यानी वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म है परसिस्ट किया, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है जो एंडोस्पर्म, वैसे सीड को हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, एंडोस्पर्म परसिस्ट with seed called endospermic or albuminous seed। तो वैसे सीड को क्या कहेंगे, albuminous seed। और एंडोस्पर्म कंज्यूम सीड। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम, पूरी तरह से जो है वह कंज्यूम हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक और एग्स एल्बुमिनस और एग एल्बुमिनस सीड। तो यानी कि ये सीड क्या हो गए कि जब सीड में होगा एंडोस्पर्म, वैसे सीड को हम लोग एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, और जब सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहेंगे तो वैसे सीड को हम लोग कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक और एग एल्बुमिनस सीड। अब देखो कि कभी कभी क्या होते हैं, हाँ इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल में डाल देंगे आप लोग। कैस्टर सीरियल्स कोकोनट, कैस्टर
कैस्टर्स सीरियल्स और कोकोनट और नॉन एंडोस्पर्मिक में पी बीन सनफ्लावर पी बीन और सनफ्लावर ओके। अब एक टर्म आता है कभी कभी पेरी स्पर्म यानी न्यूसेलस रह गया पूरी तरह से न्यूसेलस अभी बताया था मैंने तो लिखेंगे द रिमिनेंट ऑफ न्यूसेलस द रिमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इन द सीड इज कॉल्ड इन द सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म इज कॉल्ड पेरिस्पर्म एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन तो एक तो एंडोस्पर्म का देख लिया हम लोगों ने अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नाउ हेडिंग देंगे अब आप लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अभी बताया था आप लोगों को एग सेल और जेनरेटिव सेल दोनों मिल गए तो उससे क्या हो गया एम्ब्रियो यानी जाइगोट जाइगोट डेवलप करेगा तो क्या होगा एम्ब्रियो होगा। इसकी सारी बातों को हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं जो आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो सीड होते हैं और सीड कैसे सॉइल में हम लोग डालते हैं तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वही एम्ब्रियो ग्रोथ करके एक नए प्लांट के रूप में हमें देता है तो यहाँ पर ये पूरा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था बेटा कि पहले तो एक एग सेल प्लस जेनरेटिव सेल एग सेल एंड जेनरेटिव सेल ये दोनों सेल से के फ्यूजन से क्या बन जाता है ये फ्यूजन से जाइगोट। इस जाइगोट ये जो जाइगोट है ये फूड को स्टोर करेगा और स्वेल अप हो जाएगा स्टोर फूड एंड स्वेल अप तब ये जाइगोट स्टोर फूड एंड स्वेल अप तो ये क्या हो जाएगा तब इसी जाइगोट को जब ये जाइगोट स्वेल अप कर जाता है यानी स्वेलिंग हो जाती है उसमें तो उसको कहते हैं ऊ स्पेयर या ऊ एस्पोर ठीक है। अब ये जो ऊ स्पोर है ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा ऊ स्पोर्स में क्या होंगे तो ट्रांसवर्स डिवीजन ऊ स्पोर्स में थोड़ा सा इसको एक मिनट क्योंकि ये अभी लंबे चलेंगे तो एक सेल प्लस जेनरेटिव सेल एक सेल और जेनरेटिव सेल फ्यूज करते हैं तो क्या दे दिया ये जाइगोट जाइगोट से हमें क्या मिल जाता है तो जाइगोट जो है वह फूड को स्टोर करेगा एंड स्वेल अप हो जाएंगे स्टोर फूड एंड स्वेल अप तो ये जाइगोट स्टोर करके अब फिर उसके बाद ये क्या बना लेगा तो ये बन जाएंगे ऊ स्पोर ऊ स्पोर बनने के बाद में जब ऊ स्पोर बना तब ये ऊ स्पोर्स ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे यानी डिवाइड करेंगे
इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे तो एक बेसल सेल बनेगा और दूसरा, यानी एक माइक्रोपाइल की तरफ सेल और दूसरा चलाजल की तरफ सेल जाएंगे। ट्रांसवर्स डिवीजन कर लेंगे तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद में दो रीजन में जाएंगे। एक आएगा टुवर्ड्स माइक्रोपाइल और ये टुवर्ड्स चला जा। ओके, तो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल जो होगा ये होगा बेसल सेल और टुवर्ड्स चलाजा जो होगा ये एपिकल सेल और इसी को एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। एपिकल सेल और एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल भी बोलते हैं इसको। अब बेसल सेल जो है वह डिवाइड करके, एक बेसल सेल डिवाइड करेगा तो टू सस्पेंसर सेल बनेंगे और दोनों सस्पेंसर सेल जो है वो फिर डिवीजन करेंगे यानी ये डिवाइड करते रहेंगे तो डिवाइड करते के साथ साथ ये 6 to 10 सेल स्टेज में आएंगे और इसी को कहेंगे हम लोग क्या, सस्पेंसर। अब ये हो गए सस्पेंसर, इसी को कहेंगे। ओके, जब इधर हम लोग देखते हैं तो ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो डिवीजन होते हैं एक्चुअल में ये ट्रांसवर्स डिवीजन और ये वर्टिकल डिवीजन करता है। ट्रांसवर्स और ये वर्टिकल डिवीजन, यहाँ पर ट्रांसवर्स और यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन। अब जो एम्ब्रियोनल सेल हैं तो ये एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवाइड करेगा, डिवाइड उसी तरह से वर्टिकली और डिवाइड करेगा तो 4 एम्ब्रियोनल सेल बन जाएंगे। ये पहले 2 सेल आएंगे, टू एम्ब्रियोनल सेल और फिर से डिवाइड करेगा देन 4 एम्ब्रियोनल सेल, 2 एम्ब्रियोनल सेल एंड 4 एम्ब्रियोनल सेल। 4 एम्ब्रियोनल सेल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। जब क्वाड्रेंट स्टेज, इधर का क्वाड्रेंट स्टेज आ गया और इधर सस्पेंसर सेल हो गए, इसी को फिर आगे इधर लेके आते हैं, यानी एक तरफ जो सस्पेंसर है और दूसरे तरफ क्वाड्रेंट स्टेज है। क्वाड्रेंट स्टेज सस्पेंसर सेल। अब ये सस्पेंसर सेल का काम क्या है, तो मेन फंक्शन इज टू पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो
बी डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म स्पर्म फॉर फूड. माइक्रोपाइलर सेल ऑफ सस्पेंसर्स माइक्रोपाइलर सेल ऑफ सस्पेंसर स्वेल अप swell up and it is called Haustorian cell. Haustorian cell. तो इसको यानी कि जो suspensor cell micropile के तरफ है अगर वो swell कर जाते हैं तो उसी cell को हम लोग कहते हैं Haustorian cell. यहाँ की बातें उसके बाद यहाँ आइए तो जो क्वाड्रेंट सेल है ये अब ये फिर से डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन. ट्रांसवर्स डिवीजन करके अब ये क्या हो जाएंगे एट सेल स्टेज में आएंगे. इसको कहते हैं ऑक्टेन स्टेज ऑक्टेन स्टेज. दिस इज ऑक्टेन स्टेज. ऑक्टेन स्टेज का जो सेल है तो ऑक्टेन स्टेज के मतलब टोटल आठ सेल. आठ सेल चार सेल एक तरफ चार सेल एक तरफ इस तरह से बटेंगे. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इधर का. अब ऑक्टेन स्टेज जो है वह इसके चार सेल एक तरफ और बाकी के चार सेल एक तरफ ये ऑक्टेन स्टेज है. तो पहले इधर का ये भी कर देता हूँ सस्पेंसर सेल का. सेल ऑफ सस्पेंसर लाइज नियर एम्ब्रियोनल सेल लाइज नियर एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियोनल सेल कॉल्ड हाइपोफाइसियल कॉल्ड हाइपोफाइसिस तो इसको क्या कहेंगे हम लोग हाइपोफाइसिस. द सेल ऑफ सस्पेंसर लाइज नियर एम्ब्रियोनल सेल यानी ये इधर वाला जो सेल एम्ब्रियोनल सेल के जो नज़दीक में आएगा उसको कहेंगे हाइपोफाइसिस. अब इधर आइए तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो चार सेल हैं ओके ऑक्टेन सेल का मतलब एट सेल स्टेज ये बात यहाँ पर है और इस चार आठ सेल में से टोटल जो फोर सेल तो फोर सेल लाइज नियर हाइपोफाइसिस लाइज नियर हाइपोफाइसिस कॉल्ड हाइपोबेसल सेल गिव्स राइज टू और ये हाइपोबेसल सेल ये किस चीज में गिव्स क्या देते हैं बनाते हैं तो गिव्स राइज टू कौन तो ये जो हमारा हाइपोबेसल सेल है हाइपोबेसल सेल
ये क्या कहलाएगा? हाइपो बेसल सेल। और हाइपो बेसल सेल क्या दे देगा? तो हाइपो बेसल सेल से हमें बन के मिलता है रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। रेडिकल से आप जानते हैं कि जब भी सॉइल में रूट किसी सीड को डालते हैं तो रेडिकल से रूट आते हैं, तो ये रेडिकल कहाँ से बन के आता है? तो रेडिकल बन के आता है हाइपो बेसल सेल से। ओके, अब इधर का बाकी का जो चार सेल हैं, फोर सेल लाइज टुवर्ड्स चलाजा, लाइज टुवर्ड्स चलाजल साइड, चलाजा, इसको क्या कहेंगे? ईपी बेसल। तो इसको कहेंगे ईपी बेसल। और ईपी बेसल क्या दे देता है? ईपी बेसल गिव्स राइज टू प्लीम्यूल एंड टू कॉटिलेडॉन्स, टू एंड टू कॉटिलेडॉन्स। तो हाइपोबेसल और ईपी बेसल ये दो अलग अलग, हाइपोबेसल में फोर सेल हैं और यही फोर सेल डिवाइड करके क्या देता है? रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल बनाता है, और ईपी बेसल के सेल प्लीम्यूल एंड टू कॉटिलेडॉन्स दे देते हैं। ओके, हाइपोफाइसिस, और ये जो हमारा हाइपोफाइसिस जो है और रेडिकल ये जो आपस में मिलते हैं तो ये हमें दे देते हैं रूट एपेक्स। तो हाइपोफाइसिस एंड रेडिकल, हाइपोफाइसिस एंड पहले हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, तो एंड रेडिकल ये क्या देते हैं? गिव्स राइज टू फॉर्म, ये गिव्स राइज टू फॉर्म ये क्या बना देंगे? रूट एपेक्स, या इसी को कहेंगे हम लोग रूट कैप। अब ये फोर सेल, इधर से फोर सेल यानी ऑक्टेन सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा, फिर से डिवाइड करेगा, तो 16 सेल जो स्टेज आएंगे उसे को कहेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और फिर उसके बाद बनेगा हार्ट एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो इस तरह से ये डिवीजन होते हैं। ऑल सेल ऑफ ऑक्टेन डिवाइड टू फॉर्म सिक्सटीन सेल ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये 16 सेल का ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ये आपको पूरा ये फ्लो चार्ट इस तरह से, तो देखो जाइगोट से ओस्पोर, ओस्पोर दो अलग अलग साइड में डिवाइड करता है, एक सेल जब ये टू स्पोर डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेगा, एक सेल माइक्रोपाइल के तरफ होगा उसे बेसल सेल, और दूसरा सेल चलाजल के तरफ होगा तो उसको कहेंगे ईपी एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। बेसल सेल डिवाइड करता है तो वो फाइनली जा करके वह 6 से 10 सेल का सस्पेंसर सेल बनाता है, और जबकि एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल, दो एम्ब्रियोनल सेल, दो से चार एम्ब्रियोनल सेल, फोर एम्ब्रियोनल सेल के स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। उसके बाद फिर जो क्वाड्रेंट स्टेज का जो सेल है यानी ये जब डिवाइड करेगा तो फिर 8 सेल स्टेज आएंगे, 8 सेल स्टेज में से 4 सेल जो होगा वो हाइपोफाइसिस के नज़दीक होगा उसको कहेंगे हाइपोबेसल सेल, और बाकी का 4 सेल जो होगा वो चलाजल साइड के नज़दीक होगा तो उसको कहेंगे ईपी बेसल। और यही हाइपोबेसल सेल जो है वो रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल बनाता है, जबकि ईपी बेसल सेल जो है वो प्लोम्यूल एंड कॉटिलेडॉन्स बनाता है।
अब रेडिकल और हाइपोफाइसिस सेल हैं, तो हाइपोफाइसिस सेल किसका पार्ट है? हाइपोफाइसिस सेल इज द सस्पेंसर सेल का पार्ट है। तो जो सेल ऑफ सस्पेंसर लाइज नियर एम्ब्रियोनल सेल, यानी एम्ब्रियोनल के तरफ का जो सस्पेंसर सेल है वो कहलाता है हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस और रेडिकल मिलकर के क्या देते हैं? तो रूट कैप बना देते हैं। और ये जो 8 सेल स्टेज था, अब ये 8 सेल अगर डिवाइड करते हैं तो ये दे देते हैं हमें 16 सेल का ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और यही तो ऑल सेल्स, जब सभी सेल डिवाइड करेंगे और एम्ब्रियो के सभी सेल जो होते हैं वो मेरिस्टमैटिक सेल हैं। ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो आर मेरिस्टमैटिक सेल। ऑल सेल ऑफ एम्ब्रियो आर मेरिस्टमैटिक सेल। अब यहाँ पर आइए, जो बातें लिखे हम लोग उसके आगे और उसके बाद में, तो ये जो ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो डिवाइड करेगा ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिवाइड एंड फॉर हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो आर मेरिस्टमैटिक ऑफ एम्ब्रियो आर मेरिस्टेमैटिक, ये जो होगा वो मेरिस्टेमैटिक सेल होंगे सभी। ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो आर मेरिस्टेमैटिक। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट due to the fast growth, due to the fast growth in two lobe of heart shape embryo, of heart shape embryo, heart shape of embryo develop into two cotyledons epicotyl and plumule, epicotyl and plumule, okay. Core position is called torpedo. Position of embryo is called torpedo. कर position जो embryo का है तो उसको हम लोग torpedo कहते हैं। Axis is present between, axis is
प्रेजेंट बिटवीन लिम्यूल एंड रेडिकल, लिम्यूल एंड रेडिकल कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑल्सो कॉल्ड टिगेलम, टिगेलम दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज, इज नोन एज क्रूसिफर टाइप, क्रूसिफर टाइप, क्रूसिफर टाइप और ओनाग्रेड टाइप और ओनाग्रेड टाइप, ओनाग्रेड टाइप इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट, क्रूसिफर टाइप। क्रूसिफर टाइप ऑल्सो फाउंड इन कैप्सेला, तो ये जो है वो कैप्सेला में भी होता है। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सेम टाइप, डेवलप फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम सम पार्ट ऑफ जायगोट, जायगोट सो इट इज कॉल्ड मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, सो इट इज कॉल्ड मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, इसको मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो जनरली जो बातें थी, ये सारा जो है वो एक्चुअल में कैरेक्टर डाइकॉट के लिए है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये फर्स्ट पार्ट जो देखें वो हम लोग डाइकॉट देखें। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना लें हम लोग इसका।
एक हो गया सस्पेंसर सेल और ये हो गया एम्ब्रियोनल सेल. दिस इज द जाइगोट या ओस्पोर. दिस इज द ओस्पोर. उसके बाद में आइए जीन पोस्टोरियल सेल नोटिस कर दिया है. पोस्टोरियल सेल सस्पेंसर सेल रूट कैप
याद कीजिए मैंने बोला था रेडिकल प्लस हाइपोफाइसिस ये रूट कैप बनाता है। तो रूट कैप हमेशा सस्पेंसर सेल का लास्ट वाला सेल जनरली रहते हैं और दिस इज द रूट टिप। प्रोकैम्बियम ग्राउंड मेरिस्टेम डर्मेटोजेन। प्रीमियोल कॉटिलेडॉन सस्पेंसर सस्पेंसर एंड रेडिकल। हाइपो कोटाइल रेडिकल रूट कैप लिम्यूल लिम्यूल एंड इपिकोटाइल इपिकोटाइल कॉटिलेडॉन्स एंड ये जो हो गए वो कॉटिलेडॉन्स। तो ये पूरा का पूरा अलग अलग स्ट्रक्चर जो है 1-2 यानी ये वो स्पोर से कैसे एम्ब्रियोनल सेल, फिर उसके बाद देखिए कि ये जो है 8 सेल स्टेज में आया हॉस्टोरियल सेल और डर्मेटोजेन यानी इस तरह से, फिर ये मल्टी सेलुलर पार्ट एम्ब्रियोनल का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये कॉटिलेडॉन्स बन गए और उसके बाद फाइनली जो है इस तरह से एक कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया जिसमें सारे पार्ट हैं। तो सीड के अंदर ये पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो हो जाएंगे। अब आइए एक हेडिंग देंगे आप लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट
देखो सारा चीज़ लगभग सेम रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं रहती है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से OS4 और OS4 एक डिवाइड करेगा तो माइक्रोपाइल के तरफ और दूसरा चलाजा के तरफ दो सेल बनेंगे और जो एक सेल होगा एम्ब्रियोनल सेल इधर और इधर जो होगा तो वो सस्पेंसर सेल। ओके एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड करने के बाद एक टर्मिनल और एक मिडिल सेल बनाएगा। दिस इज द टर्मिनल सेल एंड दिस इज मिडिल सेल। ओके अ टर्मिनल सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म रिपीटेडली डिवाइड करके ग्लोबुलर एम्ब्रियो टू फॉर्म ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ओके तो इससे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएंगे और टर्मिनल सेल डिवाइड रिपीटेडली ग्लोबुलर एम्ब्रियो और ये डिवाइड करके ये बना फाइनली क्या बना देगा तो इससे बन जाएंगे फॉर्म्स कॉटिलेडॉन्स एंड प्लीम्यूल। जबकि मिडल सेल जो है वह ये डिवाइड टू फॉर्म ये बना देगा आपको हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ये हो गया मोनोकॉट के लिए। ग्रास के जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं उसको कहते हैं अस्कुटेलम। कॉटिलेडॉन्स इन ग्रास कॉल्ड अस्कुटेलम। In grass, cotyledons called Escutellum. फिर है एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज इन अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ इनक्लोज इन अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलियोरिजा। तो उसको कॉलियोरिजा कहते हैं। ये सब टर्म याद रखना है एस्कुटेलम कॉलियोरिजा कॉलियोपटाइल ये सब आपको रीजन नाम याद रखना है। The portion of the portion of
एम्ब्रियोनल एक्सिस द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ स्कुटेलम इज द इपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स इपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया कॉल्ड कोलियोपटाइल रिड्यूस सेकेंड कोटिलेडॉन्स इन सम ग्रासेस इज नोन एज इपिब्लास्ट। यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई। अब आपको एक काम करना है, आपके जो एनसीईआरटी में मोनोकॉट जो सीड का एम्ब्रियो है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो बनाना है आपको, मोनोकॉट, और बना के मुझे सेंड करना है आज शाम तक। मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपकी नोटबुक में इतना लिखने के बाद में लास्ट में मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना के और उसका फोटो विथ नोट्स सेंड करना है, कंपलसरी फॉर दी ऑल स्टूडेंट। चलिए इसके आगे की अब एक क्लास में हम लोग लास्ट ये पोर्शन का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस वगैरह छोटा सा पार्ट बचा है, सीड वायबिलिटी क्या है ये सब बच्चे हैं, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।